एपिसोड 152, ट्रंक वाली लड़की। परिधि की आंखें सामने का नजारा देखकर फटी की फटी रह गई, क्योंकि उस वक्त सामने का नजारा ही कुछ ऐसा है। परिधि ने देखा कि उसके ठीक सामने अंधेरे से भी ज्यादा काली नजर आती एक रहस्यमय परछाई खड़ी है, जिसकी शक्ल इतनी ज्यादा डरावनी है कि उसे शब्दों में बयां नहीं किया जा सकता। तभी पत्तों की हल्की सरसराहट की आवाज सुनकर वो खूनी दरिंदा परिधि की ओर मुड़कर देखता है, और उसकी लाल दहशत से भरी आंखें देखकर परिधि की जोरदार चीख निकल जाती है। और इस चीख के कारण अगले ही पल जंगल की पूरी निस्तब्धता टूट जाती है। उस दरिंदे की इतनी भयानक शक्ल देखकर परिधि तो क्या, अच्छे से अच्छे हिम्मत वाले इंसान के भी पसीने छूट जाएं, क्योंकि ये दरिंदा नरक से आया कोई नरभक्षी जान पड़ रहा है। लंबी लंबी नाखून, नुकीले पैनी दांत, जिसमें लगा हुआ खून जंगल में बिखरे अंधेरे के बीच थोड़ी बहुत आती सूरज की रोशनी में साफ साफ दिखाई दे रहा है। परिधि ने देखा कि वो खूनी दरिंदा उस वक्त एक औरत की गर्दन को झुकाकर अपने नुकीले दांत से उसका खून पीता जा रहा है, और वो औरत अब कोई हरकत भी नहीं कर रही, क्योंकि दरिंदा उस औरत के शरीर से खून का एक एक कतरा तक निचोड़ चुका है। वहीं उस औरत का पूरा शरीर एकदम बर्फ की तरह सफेद पड़ गया होता है, मानो अब उसके शरीर में कोई जान ही ना बची हो। वहीं परिधि की ओर देखकर अपने मुंह पर लगे खून के छींटों को पोंछते हुए वो दरिंदा ऐसा लग रहा है जैसे कि वो काफी वक्त से अपनी प्यास बुझाने के लिए अपने शिकार की ही तलाश में इधर उधर घूम रहा हो। परिधि की चीख सुनकर वो दरिंदा बिना एक भी पल गवाए सीधा परिधि की तरफ तेजी से उछलते हुए लपकता है, और ये देखकर परिधि की हलक सूख जाती है। वहीं दूसरी तरफ इन सब बातों से अनजान मिहिर और मुग्धा अपने दोस्तों के साथ कॉलेज से घर के लिए निकलने लगते हैं। यार, तुझे परिधि को रोक लेना था, मुझे तो परिधि से मिलकर बहुत अच्छा लगा, मुग्धा ने मोहित के कंधे पर हाथ मारते हुए कहा। मैंने तो कहा ही था उसे, लेकिन उसने ही मना कर दिया मुझे, तो फिर मैं क्या ही करता, मोहित ने मुग्धा की तरफ देखते हुए कहा। मोहित की बातें सुनकर वहां खड़े मिहिर और विक्की भी हंसने लगे। उन लोगों को हंसता हुआ देख मोहित उदास होते हुए बोला, अरे यार, अब तुम लोग क्यों हंस रहे हो मुझ पर? जिस पर मिहिर ने अपनी हंसी को कंट्रोल करते हुए कहा, अरे भाई सॉरी सॉरी, वो क्या है ना, तूने इतना क्यूट फेस बनाया कि मुझसे रहा ही नहीं गया और मेरी हंसी छूट गई। तब विक्की ने कहा, मोहित तू ना लड़कियों के मामले में बिल्कुल कच्चा है यार, इन लड़कियों से ना जब तक एक ही बात 10 बार ना पूछो तब तक हाँ नहीं बोलती हैं। विक्की की बात सुनकर वहीं खड़ी मुग्धा उसे घूर कर देखने लगती है, जिससे विक्की अपना चेहरा दूसरी ओर फेर कर अनजान बनने की कोशिश करने लगता है। तभी विक्की की बात पर मोहित हंसते हुए कहता है, चल ठीक है, तुझसे ही कोचिंग ले लूंगा अब इन सब चीजों के लिए। वहीं जंगल में उस वैशी दरिंदे को अपनी तरफ आता देख परिधि कुछ भी सोचे बिना दूसरी ओर भागना शुरू कर देती है, लेकिन परिधि को ये समझ ही नहीं आता कि वो किस दिशा में जाए, इसलिए उसे अपने सामने जो भी रास्ता नजर आ रहा है वो उसी रास्ते पर तेजी से भागने लगती है। वो कहते हैं ना, अपने सिर को मूसल में दे मारना, बस परिधि का हाल भी कुछ ऐसा ही है इस वक्त। परिधि ने मन ही मन अपने आप को कोसते हुए कहा, अच्छा भला रास्ते से जा रही थी, पता नहीं मेरे दिमाग में क्या सूझा जो मैं इस जंगल की तरफ चल पड़ी। लेकिन परिधि को भी कहां पता है कि वो जिस मुसीबत से पीछा छुड़ाकर भाग रही है वो मुसीबत कोई ऐसी वैसी मुसीबत नहीं है, वो एक खूनी वैम्पायर है जो अपनी प्यास बुझाने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। किसी भी हद तक मतलब किसी भी। परिधि को अब लगने लगता है कि बस उसका आखिरी समय नजदीक आ चुका है, और आज उसे इस दुनिया की कोई भी ताकत इस खून के प्यासे दरिंदे से नहीं बचा सकती। दौड़ते दौड़ते परिधि का दिमाग भी काम करना बंद कर देता है, वहीं उसे अपने सामने कोई भी रास्ता समझ नहीं आता। इतने में अचानक कुछ ऐसा हुआ जो कि परिधि के समझ के बाहर की बात होती है। देखते ही देखते परिधि की आंखों के सामने अचानक से अंधेरा छा जाता है। परिधि छटपटा कर अपने आप को बचाने की बेहद कोशिश करती है, लेकिन उन मजबूत हाथों से खुद को छुड़ा पाना परिधि के लिए लगभग नामुमकिन सा साबित हो जाता है। थक हार कर परिधि एकदम से खामोश हो जाती है। वो सिर्फ अपने आसपास हो रही चीजों को महसूस करने लगती है, ताकि उसे जब मौका मिले तो वो तुरंत वहां से निकलकर भाग जाए।
उसे अचानक से ऐसा एहसास होता है मानो उसे किसी गाड़ी में डाल दिया गया है और उसे कहीं ले जाया जा रहा है। ये महसूस करने के बाद परिधि को टेंशन होने लगी है और वो जोर जोर से गाड़ी के ट्रंक पर अपना हाथ मारने लगती है, लेकिन कुछ भी होता ना पाकर परिधि आखिर में थक हार कर शांत हो जाती है। तो क्या उस दरिंदे के हाथों सच में परिधि की जान चली जाएगी या परिधि अपनी जान बचाकर वहां से भाग जाएगी? वहीं ओल्ड विला में व्हाइट विंटेज कार के रुकते ही पृथ्वीराज ने तुरंत थापा की तरफ इशारा करते हुए कहा, जो चीज जिस जगह है उसे उसी जगह रहने दो, हम बाद में देखेंगे कि उसका आगे क्या करना है। पृथ्वीराज का इशारा पाते ही थापा ने हां में अपना सिर हिलाया और पृथ्वीराज के पीछे पीछे अंदर की तरफ चला गया। तभी मिहिर और मुग्धा हंसते मुस्कुराते हुए कॉलेज से वापस बाइक से घर आते हैं। तुम अंदर चलो, मैं ये बाइक पार्क करके आता हूँ, मिहिर ने मुग्धा से कहा। मिहिर की बात सुनकर मुग्धा ने हां में अपना सिर हिलाया और गुनगुनाती हुई घर के अंदर चली गई। वहीं मिहिर अपनी बाइक पार्क करके अभी अंदर जा ही रहा होता है कि तभी दो हाथ उसे अपनी ओर खींच लेते हैं। इससे पहले कि मिहिर कुछ समझ पाता, उससे पहले ही मिहिर को महसूस हुआ कि किसी ने उसे पीछे से गले लगा रखा है। ओ मिहिर, पता नहीं तुम मुझसे इतना दूर दूर क्यों भागते हो जबकि मैं तुम्हें दिलो जान से चाहती हूँ। आखिर उस मुग्धा में ऐसा क्या है जो मुझ में नहीं है? शराब और शबाब दोनों ही तो मौजूद है मुझ में। इस आवाज को सुनते ही मिहिर का गुस्सा सातवें आसमान पर पहुंच जाता है और उसने लगभग चीखते हुए कहा, कितनी बार कहा है तुमसे ऋतु कि दूर रहो मुझसे, लेकिन तुम इतनी बेशर्म होगी ये मैंने कभी भी नहीं सोचा था। मिहिर की बात सुनकर ऋतु अपने घड़ियाली आंसू बहाते हुए बोली, सही कहा है किसी ने, सच्चे प्यार की किसी को कद्र नहीं होती। एक मैं हूँ जो तुम्हारे लिए अपनी जान तक दे सकती हूँ और एक वो मुग्धा है जिसे तुम अपनी जान बनाए फिरते हो। वो तो उस गौरव खन्ना को अपनी जान बनाना चाहती है। गौरव खन्ना का नाम सुनते ही मिहिर का खून गुस्से से खौलने लगता है। मिहिर ऋतु को हल्का सा धक्का देते हुए कहता है, खबरदार जो मेरी मुग्धा के बारे में कुछ भी गलत कहा तो। मुझे पता है कि वो सिर्फ मुझसे प्यार करती है और मैं मुग्धा पर खुद से भी ज्यादा भरोसा करता हूँ। अरे अरे अरे, इतना ज्यादा भरोसा, वो भी मुग्धा के लिए? मुझे तो अब तुम्हारे लिए बुरा लगने लगा है मिहिर। सो सैड। लेकिन बात ऐसी है मिहिर, मुझे एक बात का डर है कि कहीं तुम्हारा ये भरोसा टूटा तो तुम्हारा दिल भी टूट जाएगा और उस मुग्धा का क्या जाएगा? उसका तो काम ही है लोगों के दिलों से खेलना। ऋतु ने मिहिर के गालों को अपने हाथ से सहलाते हुए कहा, ऋतु अगर तुम एक लड़की नहीं होती तो तुम सोच भी नहीं सकती कि मैं तुम्हारा क्या हाल करता। मिहिर ने गुस्से में अपनी दांत पीसते हुए कहा, हाय, तुम्हारी इसी गुस्से भरी अदा पर तो मुझे प्यार आता है। तुम्हारे प्यार के लिए तो मैं प्यार से जहर भी पी लूं। ऋतु ने जबरदस्ती मिहिर के गले लगते हुए कहा, हाँ तो पी लो ना जहर, कम से कम मेरा तो पीछा छूटेगा। मिहिर ने खुद को ऋतु से दूर करते हुए कहा। मिहिर की बात सुनकर ऋतु मिहिर को फ्लाइंग किस करती हुई वहां से चली जाती है। मिहिर झुंझलाकर खुद में बड़बड़ाते हुए कहता है, अजीब बेशर्म लड़की है, हर बार इसे बुरा भला बोलता हूँ और फिर भी मेरे और मुग्धा के बीच आने को तैयार हो जाती है। मिहिर बड़बड़ाते हुए अंदर की तरफ जा ही रहा होता है कि उसे अपने पास खड़ी गाड़ी से एक आवाज सुनाई देती है। ये आवाज कहाँ से आ रही है? मिहिर ने तुरंत गाड़ी की तरफ मुड़ते हुए खुद से कहा। जैसे ही मिहिर गाड़ी की तरफ बढ़ता है ये आवाज आनी बंद हो जाती है। ये देखकर मिहिर खुद में बड़बड़ाते हुए कहता है, लगता है उस ऋतु की वजह से मेरे दिमाग के साथ साथ मेरा कान भी खराब हो चुका है क्योंकि मुझे अजीब अजीब सी आवाजें सुनाई दे रही हैं। इतना कहकर मिहिर अपने सिर पर चपत लगाते हुए वहां से जाने लगता है। तभी मिहिर को फिर से गाड़ी से किसी चीज की आवाज सुनाई देती है, जैसे गाड़ी को अंदर से कोई ठोक रहा हो। ये सुनते ही मिहिर खुद से कहता है, अब तो मैं श्योर हूँ कि आवाज इसी गाड़ी से आ रही है, मुझे कोई भ्रम नहीं हुआ है। इतना कहकर मिहिर गाड़ी के पास जाता है और गाड़ी के ट्रंक पर कान लगाकर ध्यान से उस आवाज को सुनने लगता है। वहीं अभी कुछ ही पल गुजरे हैं कि फिर से गाड़ी के ट्रंक के अंदर से किसी के धीरे धीरे ठोकने की आवाज आती है, लेकिन मिहिर इससे पहले कि कुछ भी कर पाए उससे पहले ही थापा वहां आ जाता है। अरे मिहिर बेटा, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? कॉलेज से आए हो, थक गए हो, जाओ खा पी कर आराम करो। थापा ने मिहिर को गाड़ी से दूर करते हुए कहा, मामा जी इस गाड़ी से कुछ अजीब सी आवाज आ रही है। मिहिर ने गाड़ी की तरफ इशारा करते हुए थापा से कहा,
मिहिर की बात सुनकर थापा सकपका जाता है और खुद को संभालते हुए कहता है, अरे बेटा तुम भी कहाँ इन सब में पड़ रहे हो, जाओ आराम करो, ये सब मैं देख लूंगा। थापा की बात सुनकर मिहिर एक बार के लिए वहां से जाने को तैयार भी हो जाता है, लेकिन मिहिर का मन उससे बार बार कह रहा होता है कि थोड़ी देर वहां रुक कर देख ले आखिर माजरा क्या है। आखिरकार बहुत पशुपेश के बाद मिहिर थापा से कहता है, मामा जी आप इस गाड़ी के ट्रंक को एक बार खोलिए, मुझे देखना है कि इसमें क्या है। मिहिर की बात सुनकर तो जैसे थापा के चेहरे का रंग ही उड़ जाता है और वो हकलाते हुए मिहिर से कहता है, अरे मिहिर जाने दो, मैं बोल रहा हूँ ना मैं देख लूंगा, तुम जाओ यहाँ से। मैं चला जाऊंगा मामा जी, लेकिन अब तो मैं इस ट्रंक को देखकर ही जाऊंगा कि आखिर इसमें ऐसा क्या है जिसकी वजह से ये बार बार बज रहा है। मिहिर ने थापा की तरफ गौर से देखते हुए अपनी गंभीर आवाज में कहा। मिहिर के बार बार दबाव डालने पर थापा उसे मना नहीं कर पाता और एक ही झटके में उस ट्रंक को खोल देता है। ट्रंक के खुलते ही मिहिर ने देखा कि अंदर एक लड़की अपना चेहरा छुपाए हुए वहां पड़ी हुई है। उस लड़की को वहां देखकर मिहिर हैरान होता चला जाता है। वहीं गाड़ी के ट्रंक में काफी देर से बंद होने के कारण परिधि भागने के मौके तलाश रही होती। तभी गाड़ी के ट्रंक को खोलकर मिहिर थापा की मदद से उस लड़की को बाहर निकालता है। लड़की जो बोरे के अंदर मौजूद होती है और वहीं अगले ही पल मिहिर बोरे को हटाकर खोलने की कोशिश करता है, लेकिन परिधि बिना एक पल भी गवाए अपने ऊपर से वो बोरा हटाकर मिहिर को जोर का धक्का देकर तेजी से अपनी जान बचाकर वहां से भाग जाती है। वहीं गाड़ी के पास खड़े मिहिर और थापा को समझ ही नहीं आता कि आखिर ये हुआ क्या। मिहिर थापा की तरफ गौर से देखते हुए बोलता है, तो यही थी वो वजह जिसके कारण आप मुझे ये गाड़ी का ट्रंक खोलने नहीं दे रहे थे। नहीं नहीं बेटा ऐसी कोई बात नहीं है, मैं भी बिल्कुल तुम्हारे ही तरह हैरान हूँ कि आखिर ये लड़की यहाँ क्या कर रही थी। थापा ने मिहिर से नजरें चुराते हुए अपनी बात कही। मुग्धा ने बड़बड़ाते हुए खुद से कहा, ओफो ये मिहिर कहाँ रह गए, बाइक पार्क करके आने में इतना टाइम लगता है क्या भला, अब मुझे ही देखकर आना पड़ेगा। मुग्धा मिहिर को ढूंढते हुए वापस पार्किंग एरिया में आती है। वहां वो मिहिर और अपनी मामा थापा को बात करते हुए देखती है और तुरंत मिहिर से कहती है, तो आप यहाँ फंसे हो, भाई मुझे लगा कि कहाँ रह गए आप। लेकिन मिहिर के हाव भाव देखकर मुग्धा को एहसास होता है कि जरूर कोई बात है जो उसे नहीं पता है, जिस पर मुग्धा मिहिर से पूछती है, क्या हुआ मिहिर आप इतना परेशान क्यों लग रहे हो, मुझे आखिर बात क्या है। तुम मुझसे मत पूछो मुग्धा, ये बात तुम अपने पापा और अपने बाकी के घर वालों से पूछो कि आखिर ये लोग अपनी ऐसी हरकतें कब बंद करेंगे, मिहिर ने झल्लाते हुए मुग्धा से कहा। मिहिर का गुस्सा देखकर मुग्धा अपने मामा जी से पूछती है, मामा जी आखिर बात क्या है, मिहिर इतना गुस्सा क्यों कर रहे हैं, ऐसा क्या हो गया। ये क्या बताएंगे, मैं बताता हूँ, ये तुम्हारे पापा की गाड़ी है ना मुग्धा, इसमें से अभी एक लड़की बाहर निकलकर जंगल की तरफ भागी है, मिहिर ने गुस्से से मुग्धा की तरफ देखते हुए कहा। मिहिर की आवाज सुनकर अब तक ओल्ड विला के सारे लोग घर से बाहर पार्किंग एरिया में आ जाते हैं। एक लड़की, मुग्धा चौंक गई, लड़की गाड़ी के ट्रंक में क्या कर रही थी, मुग्धा ने अपने पापा की तरफ देखते हुए कहा। तो क्या होगा इस कहानी में आगे, क्या मिहिर सच्चाई के तह तक पहुंच पाएगा, क्या मिहिर पता लगा पाएगा कौन थी ये लड़की और वो यहाँ कैसे आई, और क्या होगा जब मिहिर को पता चलेगा कि इन सब के पीछे किसका हाथ है। जानने के लिए आपको सुनना होगा प्यास, सिर्फ पॉकेट एफएम पर। एपिसोड 153, एक और बेरहम मौत। मिहिर की आवाज सुनकर अब तक ओल्ड विला के सारे लोग घर से बाहर पार्किंग एरिया में आ जाते हैं। एक लड़की, मुग्धा चौंक गई, लड़की गाड़ी के ट्रंक में क्या कर रही थी, मुग्धा ने अपने पापा की तरफ देखते हुए कहा। मुझे नहीं पता बेटा, पृथ्वीराज ने थापा की तरफ घूरते हुए मुग्धा से कहा। थापा ने तुरंत मिहिर की तरफ देखते हुए कहा, नहीं मिहिर बेटा मैं सच में नहीं जानता कि ये लड़की कौन थी और ये हमारी गाड़ी में कहां से आ गई। बस हो गया मिहिर, जाने दीजिए, हो सकता है कोई गलत फहमी हो गई हो आपको, वो लड़की गलती से इस गाड़ी में आ गई हो, वरना कोई गाड़ी में छुपा हो और पापा को पता ना हो, ऐसा नहीं हो सकता ना, मुग्धा ने मिहिर का हाथ पकड़ते हुए कहा। मिहिर ने इस पर टॉन्ट करते हुए कहा, मैं भी तो वही कह रहा हूँ मुग्धा,
कि तुम्हारे पापा की गाड़ी में कोई लड़की पहले से मौजूद हो और तुम्हारे पापा को इस बारे में कुछ पता भी ना हो। ऐसा कैसे हो सकता है मुक्ता? मुक्ता ने बात को बदलने की कोशिश करते हुए कहा, लेकिन मिहिर, पापा ऐसा कैसे कर सकते हैं? मिहिर ने मुक्ता की तरफ सवालिया निगाहों से घूरते हुए कहा, शैतान है तुम्हारे घर वाले, बिना किसी निर्दोष की जान लिए इनको शांति कहां से मिलेगी? अभी एक जिंदा लड़की को मैंने तुम्हारे पापा की गाड़ी से बाहर निकाला है और तुम कह रही हो पापा ऐसा कैसे कर सकते हैं? तभी रतन मामा मिहिर को चुप करवाने के लिए आगे आते हैं। मिहिर, ये तुम क्या कह रहे हो, बस करो। मिहिर ने मामा जी से कहा, हकीकत को किसी गवाह की जरूरत नहीं होती मामा जी, सच खुद ब खुद सामने आ ही चुका है और आप लोग इस बात को इतने हल्के में क्यों ले रहे हैं? मैं बता तो रहा हूँ कि अभी अभी एक लड़की निकली है गाड़ी के ट्रंक से और इस बात के गवाह खुद गोविंद मामा भी हैं। वही मिहिर की ये बात सुनकर गोविंद मामा ने अपना सिर नीचे की ओर झुका लिया और पृथ्वीराज की नजरें जैसे ही थापा पर पड़ी, थापा ने अपनी निगाहें दूसरी ओर फेर ली। मिहिर की बात सुनकर मुक्ता मिहिर से कहती है, ठीक है आपकी बात हम मान भी लेते हैं, लेकिन इतनी जल्दी वो लड़की कहाँ चली गई, मुझे जवाब दीजिए। अरे मैं तो बोल ही रहा हूँ मुग्धा, वो यही थी, मैंने और थापा मामा जी ने उसे ट्रंक से बाहर निकाला और वो मुझे धक्का देकर जंगल की तरफ भाग गई। मिहिर ने मुग्धा की तरफ देखते हुए दोबारा से कहा, मिहिर हो सकता है आपको जरूर कोई गलतफहमी हुई हो, क्या सबूत है आपके पास इस बात का कि वो लड़की इसी गाड़ी में कैद थी? मुग्धा ने मिहिर से कहा। मुग्धा की इस बात को सुनकर मिहिर का गुस्सा तो जैसे किसी सैलाब की तरह फट पड़ता है और वो गुस्से में मुग्धा की तरफ देखता है। अरे यार मुग्धा, पता है बात क्या है, गलती मेरी ही है, बेवकूफ हूँ ना मैं भी जो ये बात भूल गया कि तुम भी तो पहले इनके जैसी ही थी, इसलिए तो तुम इन्हीं लोगों का साथ दोगी ना, मेरी बात क्यों समझोगी? मिहिर ने गुस्से में अपने दांत पीसते हुए मुग्धा से कहा। मुग्धा चाहकर भी आगे कुछ बोल ना सकी, क्योंकि कहीं ना कहीं उसे भी पता है कि मिहिर की बातों में सच्चाई हो सकती है। मिहिर ने एक नजर मुग्धा की तरफ देखा और सारे लोगों की तरफ देखते हुए कहा, लेकिन अब जो कुछ भी हो इस लड़की को तो मैं खुद ही ढूंढूंगा और सच्चाई की तह तक जाकर ही रहूंगा, गुनहगार को सजा जरूर मिलेगी, ये मेरा वादा है आप सबसे। इतना कहकर मिहिर भी जंगल की तरफ अपनी बाइक लेकर उस लड़की के पीछे पीछे चला जाता है। वहीं दूसरी तरफ परिधि अपनी जान बचाकर फिर से जंगल की तरफ भागती जा रही होती है। परिधि को कुछ भी समझ नहीं आ रहा है, वो तो बस जैसे तैसे अपने घर वापस जाना चाहती है। वहीं ओल्ड विला में इतनी बहस के बाद हर कोई अपने अपने कमरे में चला जाता है, पर पृथ्वीराज और माया वहीं पार्किंग एरिया में खड़े अपने सामने बड़े से जंगल की तरफ देख रहे होते हैं। माया ने परेशान होते हुए कहा, अब आगे क्या होगा पृथ्वी? तभी पृथ्वीराज गुस्से से माया की तरफ देखते हुए कहता है, अब क्या होगा क्या, अब तुम बस भी करो माया, आखिर कब तक मैं तुम्हारी काली करतूतों को ढकता रहूंगा, कब तक मैं तुम्हारे गुनाहों पर पर्दा डालता रहूंगा, मैंने तुम्हें हजार बार मना किया है पर तुम हो कि अपनी हरकतों से बाज ही नहीं आती, किसी दिन हमारा राज सबके सामने आ गया तो मैं चाहकर भी किसी की मदद नहीं कर पाऊंगा। माया पृथ्वीराज से कहती है, लेकिन, पर माया कुछ बोल भी पाए उससे पहले ही पृथ्वीराज अपनी एक उंगली उठाते हुए और माया को चुप रहने का इशारा करते हैं, जिसे देखकर माया समझ जाती है कि अभी कुछ भी बोलना उसके लिए खतरे से खाली नहीं होगा और वो एकदम से चुप हो जाती है। वहीं घने जंगल में परिधि अपनी जान बचाने के लिए तेज तेज दौड़ती जा रही है। वहीं गीली मिट्टी से सने हुए बूट्स पहने धीरे धीरे उसके करीब एक शख्स बढ़ता चला जा रहा होता है और उस शख्स के हर बढ़ते कदम के साथ परिधि की मौत भी जैसे उसके करीब हौले हौले बढ़ती ही चली जा रही होती है। परिधि को पत्तों की सरसराहट महसूस होने लगती है, जैसे कि कोई शख्स उसके करीब बढ़ता ही जा रहा है, क्योंकि कदमों की आहट भी हर पल पास आती जा रही है और वो जो कोई भी है जानवर तो बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि एक जानवर की आहट और एक शख्सियत की आहट में बेहद अंतर होता है। अभी कुछ ही देर बीते हैं पर ऐसा लग रहा है मानो किसी ने वक्त को ही थाम लिया हो। धीरे धीरे उस शख्स की अजीब तेज तेज सांस लेने की आवाज जंगल में गूंजने लगती है और ये आवाजें परिधि की धड़कनों को इतनी रफ्तार से धड़कने पर मजबूर करने लगती हैं, जैसे कि उसकी सांसें थम जाएंगी। बस इतना महसूस होते ही परिधि फिर से सामने की दिशा की तरफ भागना शुरू कर देती है।
तभी परिधि को अपने सामने एक बड़े से पेड़ का मोटा सा तना नीचे जमीन पर गिरा हुआ नजर आता है और वो तुरंत उस मोटे तने के पीछे जाकर छिप जाती है। अपनी सांसों को काबू में करने की कोशिश करने लगती है, लेकिन इन सभी चीजों के बाद भी परिधि के कान जैसे अपने आसपास हो रही चीजों को बड़े ही गौर से सुन रहे होते हैं। एक और जंगल में उस लड़की की तलाश में घुसा मिहिर पागलों की तरह उस लड़की को ढूंढ रहा है। मैं तुम्हें हर हाल में ढूंढ कर ही रहूंगा, चाहे मुझे पूरी धरती आसमान को एक ही क्यों ना करना पड़े, मिहिर ने अपने मन में कहा। वहीं गीली मिट्टी में सने जूते धीरे धीरे परिधि के और करीब आते जा रहे हैं, जिसकी वजह से परिधि के लिए एक एक मिनट भी भारी साबित हो रहे हैं। वो जैसे अपनी मौत से बचने की नाकाम कोशिश में लगी हुई है। परिधि को समझ ही नहीं आ रहा होता कि आखिर वो अब करे तो क्या करे। तभी अचानक से परिधि को अपने से कुछ दूर एक बाइक के रुकने की आवाज सुनाई देती है। उस बाइक को देखकर उसके मन में एक उम्मीद सी बंधने लगती है कि शायद उसकी जान बच जाएगी। वही परिधि अगले ही पल जैसे ही उस बाइक पर बैठे शख्स को देखती है, उसे बाइक पर मिहिर बैठा हुआ नजर आता है और वहीं दूसरी तरफ से उन बूट्स की आवाज उसके इतने करीब आ चुकी होती है कि वो सांस तक नहीं ले पा रही। आगे वो क्या करेगी कि जिससे वो मिहिर को अपने वहां होने की बात बता सके। तभी उसे पास ही एक पत्थर दिखाई देता है, जिसे उठाकर वो बाइक की ओर फेंकती है। मिहिर उस पत्थर की आवाज सुनकर उस ओर देखने लगता है। कौन है यहाँ, जवाब दो मुझे, मैं तुम्हारी मदद के लिए आया हूँ। लेकिन परिधि चाहकर भी कोई जवाब नहीं दे पाती। वो कहते हैं ना कि मौत का कभी कोई चेहरा नहीं होता है, वो बिना बताए ही गुमनामी से आ जाती है। ठीक कुछ ऐसा ही अभी परिधि के साथ हो रहा होता है। मिहिर आवाज की ओर देखने की कोशिश करने लगता है, तभी उसे पास ही कहीं दूर से एक और आवाज आती है और वो अपनी बाइक को उस ओर मोड़कर आगे बढ़ जाता है। इससे परिधि की रही सही कसर भी जाती रहती है और वो जोर से मिहिर का नाम लेने की कोशिश करती है, लेकिन अगले ही पल एक मजबूत हाथ उसके मुंह को दबोच लेता है। वहीं मिहिर को अपने पीछे से किसी लड़की की जोरदार आवाज सुनाई देती है। मिहिर अगले ही पल जोर से बाइक के ब्रेक्स दबाता है और फिसलन के कारण उसकी बाइक गीली मिट्टी में फिसल जाती है और कई मीटर दूर तक फिसलती ही चली जाती है। और मिहिर जल्दी से उठकर उस आवाज का पीछा करने लगता है। वहीं वो दरिंदा परिधि को उसके गले से पकड़कर जमीन से कई फीट ऊपर उठा देता है। उस दरिंदे के हाथों में कैद परिधि किसी चिड़िया की तरह छटपटा रही होती है, पर उस दरिंदे पर कोई असर नहीं पड़ रहा होता। और पलक झपकते ही वो दरिंदा परिधि की गर्दन की ओर बढ़ने लगता है और उसके मुंह से दो तीखे नुकीले दांत ढलते हुए सूरज की रोशनी में बाहर झांक रहे होते हैं। और अगले ही पल वो दरिंदा अपने दांत परिधि की गर्दन को एक और झुकाकर गड़ा देता है और खच की आवाज के साथ परिधि पंख कटे पक्षी की तरह तड़पने लगती है। परिधि जोर से चिल्लाना चाहती है, लेकिन उसके पूरे वजूद पर वो दरिंदा हावी होता चला जाता है और धीरे धीरे उसकी जिंदगी उसकी सांसों से दूर चली जाती है और उसका छटपटाना भी बंद होता चला जा रहा होता है। वहीं वो दरिंदा परिधि के जिस्म से खून का एक एक कतरा तक पीता चला जाता है और अपनी खूनी प्यास बुझाने लगता है। अब शायद परिधि की चंद ही सांसें बची हुई हैं कि तभी मिहिर वहां पहुंच जाता है। परिधि की आंखें बंद हो रही होती हैं, लेकिन मिहिर को वहां मौजूद देखकर वो दरिंदा तुरंत परिधि को अपने हाथों के चंगुल से आजाद करता हुआ पलक झपकते ही हवा की तेजी से वहां से भाग जाता है। मिहिर को समझ ही नहीं आ रहा होता कि उसकी आंखों के सामने क्या हुआ। परिधि धाड़ की आवाज के साथ नीचे गिर जाती है और उसके मुंह से एक आह निकलती है। परिधि को नीचे गिरा हुआ देखकर मिहिर तुरंत दौड़कर परिधि के पास जाता है और उसे अपने गोद में लिटाते हुए कहता है, परिधि परिधि ये तुम हो, तुम्हें कुछ नहीं होगा। परिधि प्लीज हौसला रखो, आंखें खुली रखो। परिधि तुम्हें कुछ नहीं होगा, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा, मैं अभी तुम्हें हॉस्पिटल ले जाता हूँ। मिहिर की बात सुनकर परिधि मुस्कुराते हुए ना में सर हिलाती है और अपनी बची हुई चंद लम्हों की जिंदगी के लिए लड़ते हुए परिधि के मुंह से सिर्फ तीन ही शब्द निकलते हैं और परिधि के प्राण पखेरु उड़ जाते हैं। उन तीन शब्दों को सुनकर तो जैसे मिहिर की धड़कनें भी कुछ सेकंड के लिए रुक जाती हैं। आई लव मोहित। किसी सच्चे प्यार करने वाले के लिए इन शब्दों के क्या मायने हैं, ये सिर्फ वो ही जान सकता है
जिसने सच्चा प्यार किया हो, और मिहिर भी उनमें से एक है। प्यार का पहला अक्षर भले ही अधूरा हो, लेकिन ये दो लोगों को पूरा कर देता है। परिधि को अपनी गोद में लिए बैठा मिहिर तो जैसे अपने होश में ही नहीं रहता है। मिहिर को समझ ही नहीं आ रहा होता कि वो कैसे अपने सबसे अच्छे दोस्त को उसके प्यार के बारे में बता पाएगा। वो कैसे बता पाएगा मोहित को कि परिधि अब उनके बीच नहीं रही। वो कैसे बता पाएगा मोहित को कि वो परिधि को बचा नहीं पाया उन शैतानों से जो उसके अपने हैं। मिहिर की आंखों से आंसू बहने लगते हैं। रोते रोते मिहिर कहता है, I'm sorry परिधि, मैं चाहकर भी तुम्हारी कोई मदद नहीं कर पाया। आज एक बार फिर इंसानियत हैवानियत से हार गई। मिहिर परिधि की लाश को लेकर रो ही रहा होता है कि अचानक वहाँ तेज तेज हवाएं चलने लगती हैं और देखते ही देखते पूरा आसमान काले बादलों से घिर जाता है और वहाँ जोरदार बारिश होने लगती है। रोते हुए मिहिर की आंखों के आंसू अब बारिश से धुलने लगे हैं। गम और गुस्से में डूबा मिहिर परिधि की लाश को अपनी गोद में उठाता है और निकल पड़ता है ओल्ड विला की तरफ। ओल्ड विला पहुंचते पहुंचते बारिश बंद हो चुकी होती है। मिहिर परिधि की लाश को उठाए ओल्ड विला के बाहर जाता है और अपनी पूरी ताकत से चिल्लाता है, मुग्धा! मिहिर की आवाज को सुनकर अंदर अपने कमरे में बैठी मुग्धा बिना एक भी पल गवाए तुरंत अपनी खिड़की से झांकती है। वहां उसने देखा कि मिहिर अपनी गोद में किसी को लिए हुए खड़ा हुआ है। ये देखते ही मुग्धा तुरंत नीचे की तरफ भागती है और दूसरी तरफ से पृथ्वीराज, माया, थापा, रतन मामा सभी लोग एक एक कर वहां पहुंच जाते हैं। परिधि की लाश को नीचे की तरफ रखते हुए मिहिर ने मुग्धा से कहा, ये लो मुग्धा, उस समय तुमने सबूत मांगा था ना मुझसे, तो ये रहा मेरा सबूत। अब बोलो क्या बोलना है तुम्हें। लेकिन मिहिर, पर मुग्धा कुछ आगे कह पाती उससे पहले ही मिहिर ने आगे कहा, लेकिन वेकिन कुछ नहीं मुग्धा, मान जाओ कि राक्षस है तुम्हारे घर वाले और इन लोगों ने ही इस मासूम लड़की की जान ली है। मिहिर ने एक पल की खामोशी के बाद पृथ्वीराज की तरफ इशारा करते हुए कहा, कातिल है तुम्हारे पापा पृथ्वीराज। पृथ्वीराज ने अपनी बात पूरी करते हुए कहा, मैं कह रहा हूँ ना कि मैंने इस लड़की को नहीं मारा, मैं तो इसे जानता तक नहीं। बस मुझे इतना ही कहना है, इसके आगे मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी, ना मुझे कोई सफाई देनी है। पृथ्वीराज की बात सुनकर मिहिर ने गुस्से में पृथ्वीराज को घूरते हुए कहा, मुझे ये सब नहीं पता, मुझे बस इतना पता है कि आज फिर एक मासूम की जान गई है, वो भी बेवजह, और मैं इन सबकी तह तक जाकर ही रहूंगा। मिहिर का गुस्सा देखकर रतन मामा मिहिर के पास जाकर कहते हैं, बस कर बेटा, ये सब अपने ही हैं, इनमें से कोई भी इस लड़की को नहीं मारेगा, मुझे पूरा भरोसा है। मिहिर ने अपनी बातों पर दबाव डालते हुए रतन मामा से कहा, मुझे आपकी कही गई बातें सब समझ आ रही हैं मामा जी, पर आप भूल गए कि अक्सर भरोसा अपने ही तोड़ते हैं। लेकिन मिहिर वो मेरे पापा हैं, भूलो मत, जिन पर आप इतना बड़ा इल्जाम लगा रहे हो। मुग्धा ने मिहिर की तरफ घूरते हुए कहा। मुग्धा की बात सुनकर मिहिर ने मुग्धा की तरफ अपने कदम बढ़ाते हुए जवाब दिया, ये मैं भी जानता हूँ मुग्धा कि वो तुम्हारे पापा हैं, लेकिन वो तुम्हारे पापा होने के अलावा और क्या है ये बात तुम भी अच्छे से जानती हो। एक बात याद रखना सब लोग, मैं भी इस सच्चाई की तह तक जाकर ही रहूंगा, मैं ये पता लगाकर ही रहूंगा कि आखिर परिधि का असली